आज इस रूम में आपको दिखाने वाला हूँ क्लासिक 350 के कलर्स। यहाँ पर कौन सी पांच ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको लेनी चाहिए क्लासिक 350 अभी 2023 के अंदर। अगर हम बात करें, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले आपको कलर्स दिखाता हूँ। तो क्लासिक 350 में काफ़ी सारी सीरीज़ आती हैं, जैसे कि आती है सिग्नल सीरीज़। तो सिग्नल्स में आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। यहाँ पर सैंड कलर आपको एक हल्का सा ब्राउनिश और क्या बोलते हैं अपना ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। काफ़ी एक डिफरेंट लुक आता है यह सिग्नल्स का सैंड। यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे कलर्स के बारे में, तो वो आता है जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर खड़ा है डार्क सीरीज का गन मेटल ग्रे। कुछ इस प्रकार से बाइक आती है बहुत डिफरेंट ऑल टुगेदर लुक के साथ। इसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं कंपनी फिटेड। फिर आता है सिग्नल्स का दूसरा कलर जो कि आता है मार्श ग्रे। कुछ इस प्रकार से आपको ओवरऑल बाइक का लुक देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें और सीरीज़ के बारे में क्लासिक 350 की, तो वो आती हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हैल्सियन सीरीज के अंदर हैल्सियन ब्लैक खड़ी है। यहाँ पर हैल्सियन सीरीज कुछ इस प्रकार से आती है। मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी कलर आपको देखने को मिलता है हैल्सियन सीरीज का, बिकॉज ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लुक आता है एज़ कम्पेयर टू द बेस वेरियंट। सो दिस इज़ द हैल्सियन सीरीज में आपको एक कॉपर एंड हल्का सा यहाँ पर मरून कलर का टेक्सचर देखने को मिलता है। रॉयल इनफील्ड की बैजिंग आपको जो है एक हल्का सा गोल्डनिश कलर के अंदर देखने को मिलती है, जो काफ़ी अच्छा लुक आता है हैल्सियन सीरीज का। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें टॉप 5 फीचर्स ऑफ क्लासिक 350, तो अब चलते हैं हम। सो टॉप 5 फीचर्स या टॉप 5 रीजंस क्लासिक 350 को खरीदने का है। सबसे पहले लुक जो आता है इस बाइक का बहुत ही एक डिफरेंट आता है ऑल टुगेदर। आप देख सकते हैं एक प्रॉपर मॉडर्न प्लस रेट्रो का कॉम्बिनेशन आता है। ओवरऑल डिज़ाइन एस्पेक्ट यहाँ पर आपको प्रॉपर ओवरऑल जो कलर कॉम्बिनेशन पेंट स्कीम देखने को मिलती है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। सबसे बढ़िया बात है कि आपको कलर ऑप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो जो आपको सबसे अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। सेकेंड रीज़न टू बाय क्लासिक 350 इज़ द कम्फर्ट। अगर बाइक कंफर्टेबल नहीं होगी तो उसे आप ज़्यादा टाइम तक मतलब अच्छे से मज़े से चला नहीं पाओगे। वहीं अगर हम बात करें क्लासिक 350 के बारे में, तो कंफर्ट कूट कूट के बड़ा है इस बाइक के अंदर। बिकॉज एक तो इसकी सीट हाइट ज़्यादा नहीं है, दूसरी इस बाइक के हैंडल बार्स बहुत अच्छी तरीके से पोजीशन है। साथ में अगर हम बात करें तो इस बाइक को चलाने का जो मज़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ गुड सीट कम्फर्ट। यहाँ पर स्पेसिंग बहुत अच्छी है राइडर की और पिलियन की भी, तो आप पिलियन के साथ राइड करते हैं तो भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा कंफर्ट देखने को मिलता है राइड का बाइक के साथ। थर्ड रीज़न टू बाय दिस बाइक इज़ द इंजन। जो इस बाइक का इंजन है ये न्यू सीरीज़ वाला बहुत ही प्यारा, एक बहुत ही रिफाइंड स्मूथ इंजन है। 349 सीसी का आता है, 20 bhp आउटपुट, 20 ps ऑफ पावर आउटपुट करता है एंड 27 Nm ऑफ टॉर्क पंप आउट करता है। किक नहीं आता है बिकॉज ये बैलेंसर शाफ्ट वाला न्यू जे सीरीज़ वाला इंजन है। सो इस बाइक का जो कम्फर्ट है, जो इस बाइक का यहाँ पर रिफाइनमेंट है इंजन का, वो बहुत अच्छा आता है। गियर शिफ्ट्स बहुत स्मूथ आती हैं, 5 गियर आते हैं इस बाइक के अंदर, बटर स्मूथ गियर शिफ्ट्स हैं एंड मज़ा आ जाएगा अगर आप इस बाइक को एक बार चला के एक बार राइड करके देखेंगे। रीजन नंबर 4 टू बाय दिस बाइक इज़ द बिल्ट क्वालिटी। जो इस बाइक की बिल्ट क्वालिटी आती है बहुत प्रीमियम आती है, प्रॉपर एक मेटल फिनिश मेटल बिल्ट क्वालिटी वाली बाइक है। मतलब आप फ्यूल टैंक भी ले लो, ऑलमोस्ट 13 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, प्रॉपर आपको एक मेटल फिनिश वाली बाइक देखने को मिलती है। तो ये सबसे ज़्यादा एक शानदार चीज़ है, बिल्कुल आजकल फाइबर की बाइक्स बहुत ज़्यादा आ रही है, वहीं आपको यहाँ पर एक प्रॉपर बिल्ट क्वालिटी वाली मजबूत गाड़ी देखने को मिलती है मेटल ऑल टुगेदर क्लासिक 350, जो कि काफ़ी एक प्रीमियम आपको यहाँ पर ओवरऑल फील देती है। यहाँ पर बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीज़न नंबर 5 टू बाय दिस बाइक इज़ द प्राइस एंड वैल्यू फॉर मनी थिंग। अब बाइक जो है क्लासिक 350 वो स्टार्ट होती है बेस वेरिएंट 2,33,000 रुपये से और जाती है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट 2,70,000 रुपये क्रोम सीरीज तक। अब अगर मैं आप बात करें तो उसके बीच में आपको हर एक तरीके का कलर हर एक तरीके के प्राइस पॉइंट का वेरिएंट देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा एक अच्छा दिखने वाला जिसके अंदर आप पैसा डालें तो बढ़िया आपका सही बाइक या फिर सही चॉइस निकले, तो वो मुझे लगती है डार्क सीरीज़, बिकॉज उसके अंदर अलॉय व्हील्स आते हैं कंपनी फिटेड, एक तो ट्यूबलेस टायर्स आते हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी आपको स्पोक व्हील वाले में है ट्यूब वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, ट्यूबलेस ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। आपको इसको स्पोक व्हील से अलॉय व्हील में कन्वर्ट कराना पड़ेगा अगर आपको ट्यूबलेस चाहिए। तो ये आपको कंपनी फिटेड देखने को मिलते हैं, डुअल चैनल एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम आती है, पाई ब्रेक कैलिपर्स आते हैं, 13 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, कलर बहुत अच्छा आता है, ओवरऑल एक आपको प्रॉपर मैट फिनिश के अंदर बाइक देखने को मिलती है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत अच्छा आता है, एनालॉग प्लस डिजिटल कॉम्बिनेशन आता है, USB चार्जिंग आपको देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छा एक फीचर है एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग आती है। यहाँ पर माइलेज काफ़ी डिसेंट आपको देखने को मिलता है जो कि सबसे बढ़िया बात है एंड ओवरऑल यहाँ पर राइड कम्फर्ट
एक बहुत अच्छा है। सो मेरे हिसाब से क्लासिक 350 के कुछ पांच चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको एक बाइक लेनी चाहिए, बाइक आपको खरीदनी चाहिए 2023 के अंदर। आपको कौन सा कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, आपको कौन सी वाली बाइक सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वेरिएंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्लासिक 350 में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा आपको क्लासिक 350 अच्छी लगती है या फिर आपको कोई और यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की बाइक अच्छी लगती है, उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेगा, शेयर करेगा, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाह रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन मिलना बिल्कुल मिलेगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ लिख क्या रहा है throttle_98 इज माय हैंडल। मिलते हैं आपसे वीडियो में, थैंक यू फॉर योर पावर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बी हैप्पी एंड ड्राइव सेफ, बाय बाय।